पढ़ा था, कौन सा एक तो पढ़ा था, सेक्शन नंबर 231, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन. पर्सन मतलब क्या था, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, इंक्लूडिंग LLP, कंपनी, डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी, बराबर. उसका कौन सा था, AOP, BOI, AJP, लोकल अथॉरिटी, पढ़ा था अपन ने. यानी इतने सब लोग है ना, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, यस और नो, और किसी को छोड़ा नहीं है. जो कहाँ पे भी नहीं आएगा वो कहाँ पे आएगा, AJP कहाँ पे आएगा. उसके बाद में नेक्स्ट था अपना सेक्शन 2 सब सेक्शन 9, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर. सिंपल सा, ईयर वी स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑन 31st March ऑफ नेक्स्ट ईयर, बराबर, यस और नो. फिर अपने कौन सा पढ़ा था, प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर मीन्स विच इज प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर, कोई तकलीफ आ तक. उसके बाद में फिर आगे पढ़ा था अपन ने सर, देर आर सर्टेन सेक्शन नंबर 4, बराबर, लेवी ऑफ इनकम टैक्स. देखो जब तक लेवी नहीं होगा तब तक कोई भी टैक्स चार्ज होगा नहीं, खाली बोलने से टैक्स चार्ज होने वाला नहीं है. आपको पर्टिकुलर एक्ट में वो सेक्शन डालना पड़ेगा कि हाँ एज पर दिस सेक्शन ये एक्ट को राइट है कि वो अपने पास से पैसा ले सकता है. अगर सेक्शन 4 नहीं होता ना तो अपन कोई भी इनकम टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती नहीं. इज इट क्लियर नॉट. तो सेक्शन 4 अपना कौन सा है सर, लेवी ऑफ इनकम टैक्स. वो क्या बोलता है, वॉट एवर इनकम अर्न बाय दी पर्सन अर्न बाय दी इन अ प्रीवियस ईयर इन अ विल बी टैक्सेबल असेसेबल चार्जेबल इन द असेसमेंट ईयर. तकलीफ आ तक पक्का. तो वही था, एट अ प्रिस्क्राइब रेट गिवन अंडर फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट 1960. अभी मेरे को फाइनेंस एक्ट में जो रेट है वो कौन सी होती है आपकी, नॉर्मल रेट, और इनकम टैक्स में कौन सी आती है आपकी. यानी जब अपन आगे पढ़ेंगे ना तो अगर देखो याद रखना, स्पेशल रेट होती है ना उनके पास कोई ना कोई सेक्शन होते हैं. यानी जैसे एग्जाम्पल एज पर सेक्शन 115BB, ये किसके लिए, लॉटरी किसके लिए है. तो अगर आप लॉटरी कमाते हो तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा मालूम है, KBC ने बोलता है 7 करोड़ रुपया, बराबर बोलता ना ऐसा. तो 7 करोड़ में से 30% टैक्स कटने के बाद में पैसा अपने घर पे आएगा, समझाए समझा. तो ये सेक्शन कहाँ पे दिया है, 115BB कहाँ पे दिया है, 115, यानी इसका पर्टिकुलर सेक्शन रहेगा. बट जो नॉर्मल रेट्स है ना इनका कोई सेक्शन रहता नहीं है. ये हर साल आंटी जी आके बोलेगी, बराबर, यस और नो, कहाँ पे बोलेगी, बजट में, बराबर, यस. मालूम फर्स्ट स्टेप आने वाला है, बहुत दूर है पर आने तो वाला है ना. तो फर्स्ट स्टेप को जो बजट आएगा तो जो बजट के अंदर रेट होती है वो कौन सी होती है, नॉर्मल रेट. कौन सी होती है आपकी, इज इट क्लियर नॉट. उसके बाद में फिर ये हो गया था. फिर अपन ने पढ़ा था सर एक्सेप्शन टू सेक्शन 4, बराबर. नॉर्मली अपन क्या पढ़ते हैं, जो सर प्रीवियस ईयर में कमाओगे तो आपको टैक्स कभी पे करना है, ये पढ़ते हैं ना हम लोग. बट इन सर्टेन केसेस प्रीवियस ईयर डज नॉट इक्वल, सॉरी नॉर्मल क्या होता है, प्रीवियस ईयर डज नॉट इक्वल टू योर असेसमेंट ईयर. बट देर आर सर्टेन केसेस वेयर प्रीवियस ईयर इक्वल टू योर असेसमेंट ईयर. केस कौन कौन से थे, शिपिंग बिजनेस इंडिया छोड़ के जा रहा है, बाकी सब तो 5 खत्म भी हो गया, बराबर. एक तो दो दो पॉइंट ऐसे याद रखने का, ऐसा अच्छा लगे. इंग्लिश में हो ना तुम लोग सब, कॉन्वेंट स्कूल पढ़ो ना, कॉन्वेंट की गवर्नमेंट, कॉन्वेंट ना ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम स्कूल, बराबर. चलो सुनना सुना यहाँ से, ये पढ़ा था अपन ने, अभी सुनना. मैंने मेरा CA का जर्नी स्टार्ट कभी किया था 2011, कभी किया 2011, बराबर. जब मैं यहाँ पे आया था यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट देना स्टार्ट करा था. मैं CA कभी बना था 2016 में, कभी बना 2016 में, जब रिजल्ट आया था मई 2016 का रिजल्ट आया था, बराबर. बहुत सिंपल, 18 जुलाई को मैं CA बना था 2016. इससे पहले मैं ना, मतलब बोलते हैं ना अपन, वो गुंडे लोग कैसे होते वैसा था. गुंडे सुने ना अपन, क्या काम होता उनका, क्या क्या बोला, ये फालतू की फालतू, अपना काम उससे भी अवेलेबल का था, बराबर. लोगों को लूटो उसके बाद में चोरिया वोरिया करो, बराबर, ये अपना काम था. तो मैंने क्या 2011 से पहले, यानी अराउंड 2008 से लेके 2011 तक मैं चोरिया करता था. अपने गांव में वहाँ पे सुनसान लोग थे, बराबर, तो वहाँ पे सुनसान सड़कें थी, चोरिया करो. मैंने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करा था, अराउंड मैंने इकट्ठा कितना किया था, 50 करोड़, कितना इकट्ठा किया था, 50 करोड़ रुपये मैंने इकट्ठा किया था, यस और नो. अभी मेरे को बोलो ऑब्वियसली, यार देखो अगर आप चोरी करते हो, आप बुरे काम कर रहे हो, तो आपको ना थोड़ा टेंशन रहता ही है कि पुलिस ना पकड़ ले, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई अपने शादी नहीं करेगा, बराबर. सीधी बात है, गुंडे से कोई शादी करेगा तो सीधी बात है उसका भी जान को खतरा होता है कि नहीं होता है, अरे होता है कि नहीं होता है, होता है ना. तो मैं वो थोड़ा तकलीफ में था, पैसा बहुत था अपने पास,
इतना है कि पैसा होता है दोष भी होते हैं, ठीक है, दोष भी देते, बट वो सब दोष कौन से मालूम है, चला और चोरी करते, वो मोटिवेशन देते, बराबर। ऐसा नहीं बोला कि चल 50 करोड़ बहुत हो गया, अभी आराम से रहते अपन, ऐसा कुछ नहीं, नहीं आज अपन और चोरी करेंगे, ठीक है। बट 2011 में कौन मिले मेरे को, कौन मिले, जुजार सर बोल दो, जुजार बाबा बोल दो, बराबर, वो मेरे को मिले, ठीक है। वो ही बोलते हैं कि बेटा ये सब मत कर, इससे तेरे घर वालों को तकलीफ होगा, तेरे को तकलीफ होगा। मालूम है ना आपको, अगर किसी को याद होगा शिवरात्रि मनाते हैं, उसका भी रीजन है, शिवरात्रि मालूम है, शिवरात्रि भगवान का दिन है, मनाने का रीजन क्या होता है, हाँ, अरे उसका भी एक रीजन है, रीजन क्या मालूम है, वो बंदा एक होता है वो अपने घर वालों के लिए खाने पीने के लिए, मतलब वो बंदा अपने वो ढूंढने जाता है सब खाने पीने का, तो वेट करता है झाड़ के ऊपर, बिल पत्र ना, बिल पत्र मालूम है, वो झाड़ के ऊपर वेट कर रहा होता है, तो वेट करते करते उसका काम होता नहीं, तो बैठे बैठे वो बिल पत्र तोड़ के नीचे गिराता है, और नीचे शिवलिंग होता है, समझे, तो वो शिवलिंग के ऊपर गया तो भगवान प्रसन्न होकर उसको बोलते हैं, हाँ आज तूने जितना मेहनत किया तूने पूरी रात जागा, बराबर, तो उसके लिए वो शिवरात्रि होती है, बराबर। ऐसे मालूम वाल्मीकि करके है, वाल्मीकि मालूम पहले बहुत गुंडा था वो वाल्मीकि, फिर उसने क्या लिखा रामायण, क्या लिखा उसने, तो उसका सब सिंपल सा था कि वाल्मीकि इतना गुंडा था, आपने जो कर रहा है वो घर वालों किसके लिए कर रहा है, घर वालों के लिए ना, तो किसी ने पूछा कि काम के घर पे जाके तो पूछ एक बार कि मेरे पाप के अंदर तुम सब लोग साथ में आओगे कि नहीं आओगे, तो घर वालों ने मना कर दिया था कि भाई मैं क्यों आए, तो जिनके लिए बंदा इतना मेहनत कर रहा था, गुंडागिरी कर रहा था, वही बंदों ने मना कर दिया, फिर जाके वो साधु बना था, बराबर। तो ऐसे 2011 में कौन है मेरे पास, वो आके मेरे को बोलते हैं कि भाई तू ये कर रहा है कोई मतलब नहीं, सब छोड़ एक काम कर, साथ में क्या करते सीए क्या करते हैं, मैं बोला ठीक है भाई, मेरे को बोला सीए कर रहे हैं तो उसमें तो अपने पास टाइम ही क्या होता है, गुंडागिरी करने टाइम है अपने पास कि भाई शाम को 4 घंटा अपने स्पेशली गुंडे को गुंडागिरी को दिया, बराबर, ऐसा नहीं होता ना, अपने टाइम कौन सा, एक ही काम कौन सा, पढ़ना, भाई वो तो तुम बोल ही सकते हो, भले पढ़े नहीं पढ़े वो बात अलग ही बात है, बराबर, पर बोलने में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आता। अभी मैं सीए करना स्टार्ट कर रहा, बट मेरे को बोला मेरे पास जो 50 करोड़ था ना, दैट आई अर्न इन द 2009-10, कभी कमाया मैंने, प्रीवियस ईयर कौन सा था उसका, 2009-10, दैट वॉज माई प्रीवियस ईयर, येस और नो, बट इज इट अ वाइट इनकम और ब्लैक इनकम, क्या मैं गवर्नमेंट को लेके जाऊंगा, अरे सर ये लो हमारा इनकम, मैंने गुंडागिरी करके कमाया, कैसे जाऊंगा मैं, खत्म कर देंगे ना अपने को, मैंने वो बढ़िया अपना अपने पास ही रखा था। फिर 2016 में मैं सीए बन गया, फिर 2023 में, 2000 मेरे को कुछ लोग मिले जिनका अटैम्प्ट कौन सा है, मई 24, कौन सा है, अच्छे लोग मेरे को मिले, बराबर, मई 24 कौन से है, तुम्हारा कौन सा है, हाँ तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ ना मैं, अरे किधर यार, 24 है ना, 23 तो चला गया, मई 24 वाले लोग मिले, बराबर। तो तुम्हारा मेरा बॉन्डिंग इतना बैठ गया ना, तो मैंने ना सब राज खोल दिए, मैंने सब राज खोल दिए, मैंने बोला कि भाई मैं पहले ऐसा था मेरे पास 50 करोड़ रुपये, कितना मेरे पास, और सर किसी ने बोला सर कहाँ पे रखा हुआ है, तो मैंने वो भी बता दिया कि मेरे घर पे हमारा घर का जो सीलिंग है वहाँ पर रखा हुआ है, फिर हमारे घर के बाहर एक कार पड़ी है पुरानी वाली, बराबर, वो पुरानी गाड़ी के अंदर तो है ही है, और उसके नीचे जैसे खिसकाऊंगा तो एक कुआ है, बराबर, उसके अंदर मैंने पैसा रखा हुआ है, फिर बाथरूम में वॉशरूम में मैंने पैसा रखा हुआ है, सीलिंग टाइल्स वाइल बढ़िया लगाया हुआ है, उसके बाद मतलब फिर बहुत मैंने तुमको सब बता दिया। अभी मेरे को बोलो तुम्हारे में से किसी लोगों को अच्छा लगा कि भाई सर के पास पैसा है, किसको बुरा लग गया, जैसे सपोज तुम्हारे में से सपोज बुरा किसको लग गया, कौन है दुश्मन मेरा, श्रीजा, सपोज किसको, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, श्रीजा को बुरा, श्रीजा ने इनकम टैक्स को मेल लिख दिया, और मालूम है ये आप लिख सकते हो, अगर आपको मालूम पड़ रहा है कि इसके पास ब्लैक इनकम है, आप मेल लिखो, आपको टिप भी मिलता है, पैसा भी देगी इनकम टैक्स, तो आपने इसने मेल लिखा कि सर हमारे एक सर है जिनके पास 50 करोड़ क्या है, एग्जैक्टली क्या सर 50 करोड़ कितना है, और कहाँ कहाँ पे छुपा है, पूरा ऐसा ड्राइंग बना के भेजा, बराबर, कि सर ऊपर ऐसा गाड़ी खिसकाना, उसके बाद ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो घर पे मेरे घर पे आ गए। कभी आई है सर, 2023-24 कभी आए, 2023-24 में आ गए, बराबर। अभी मैं बोलो अगर किसी को आइडिया नहीं होता है तो बंदा आके पहले पूरा चेक करेगा ना यार, अगर सपोज उसको मालूम ही नहीं कि पैसा कहाँ पे, उसका इतना मालूम है कि पैसा है बट कहाँ पे वो नहीं मालूम, तो आके सबसे पहले सोफा हुआ चेक करेगा, फिर सामने अपना शो बोलते ना सोफा सेट जो भी होता है वो चेक करेगा, सोफी चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा, कुछ चेक नहीं करा, आके सीधा ऊपर ही खोदना चालू कर दिया, बराबर। अभी मेरे को बोले जैसे उसने ऐसा काम किया मेरे को मालूम पड़ गया कोई ना कोई भविष्य निकला, बराबर, अरे समझाए समझा। फिर उसके बाद में जैसे वो निकला पैसा ले लिया, बराबर, 30 करोड़ कितना निकला ऊपर से, फिर वो क्या बता लूँ अपने वालों को, अरे 20 करोड़ और है, 20 करोड़ मेरे को पक्का भरोसा हो गया था कि भाई कोई तो नहीं, तो एग्जैक्ट अमाउंट को बोलेगा,
मैं बोला अरे वो गाड़ी क्यों, गाड़ी घोटा बराबर, अभी गाड़ी घोटा इतना किसने बोल दिया, अरे यस और नो। तो मेरे को बोलो ये पूरा पैसा इकट्ठा हो कितना हो गया 50। फिर वो बोलता अभी बंद करो, अभी इसके बाद कुछ नहीं रहेगा बराबर, इसका मतलब फिक्स किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया था। 50 करोड़ इकट्ठा हुआ और ये मिला कभी अपने को 2023-24 कभी मिला है 2000। नाउ द माय क्वेश्चन इज, वो इनकम टैक्स ऑफिसर आके मेरे को बोलता है कि सर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, दिस इज योर अनएक्सप्लेन्ड इनकम, दिस इज योर ये इनकम आपने एक्सप्लेन किया ही नहीं था बराबर। तो मैंने उसको क्या बोला मालूम है कि सर सेक्शन 4 क्या बोलता है, जो भी इनकम आप प्रीवियस ईयर कभी कमाते हो उसका टैक्स आपको पे कभी करना पड़ेगा, कभी करना पड़ेगा, सिंपल सा रूल है, वॉट एवर इनकम यू विल अर्न इन द प्रीवियस ईयर विल बी टैक्सेबल इन द। सर ये इनकम मैंने 23-24 में नहीं कमाया था, ये मैंने कभी कमाया था, अरे कभी कमाया था, और 9-10 का असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, अरे कौन सा होता है, तो सर आपको 10-11 में आना चाहिए, आप लेट हो गए, आप क्या हो गए, लेट हो गए, क्या वो चला जाएगा, अरे भाई सब लगा दो बराबर वापस भाई बिना फालतू आगे, क्या वो चला जाएगा, क्या वो ऐसा बोलेगा अरे सॉरी सर गलती हो गया बराबर भाई वापस कुएं से पैसे वापस डालो भाई जिधर उधर, हमको कुछ मालूम ही नहीं है। मालूम वो 3 इडियट्स का एक सीन है जहाँ पे वो लोटा लेके जाते मालूम है, अरे पापा को डूबा बराबर, नहीं मालूम है, मालूम ऊपर जाते उसको श्यामल दास चांसड ऐसा नाम होता है मालूम ऊपर, अरे साहब जी आप गलत लोटा उठा रहे बड़े पापा तो इसमें है, नहीं मालूम है, अभी मालूम है, वही चीज़ है ना यार, अभी कहना इसे गवर्नमेंट को मालूम है क्या वो सब ऐसा वहाँ पे मालूम, सब लोग भूल जाते हैं कौन क्या, हम सब भूल चुके हैं, यहाँ पे कैसे भूलेंगे, वो क्या ऐसे बोलेंगे अरे सॉरी सर माफ कर दो, वो क्या बोलेंगे मालूम है, सर ये कौन सी इनकम है, इज इट वाइट और ब्लैक, इज इट एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड, तो ये इनकम जो है ना दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच डिस्क्लोज्ड, इन विच, यानी सर आपने 9-10 में कमाया था आई अग्रीड दैट, बट क्या आपने डिस्क्लोज किया था, आपका ये इनकम डिस्क्लोज कभी हुआ है 23-24 कभी हुआ है, तो आपको टैक्स भी कभी भरना पड़ेगा 23-24, इज इट क्लियर नॉट, यानी देर आर सर्टेन इनकम, देर आर जिसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, द ईयर इन विच इनकम इज डिस्क्लोज, इनकम इज बोलो ये कमाया कभी था आपने 2000 कभी कमाया 2000, बट मेरे को बोलो अपने को इनकम डिस्क्लोज कभी हुआ है 2023-24, तो टैक्सेबल भी कभी होगा 2000, कोई तकलीफ आता पक्का। जैसे एग्जांपल एक आता है अनएक्सप्लेन्ड कैश, क्या मतलब होता है इसका, अरे चलो रिपीट नहीं करना है, ये चालू करो ना यार, बोलो अनएक्सप्लेन्ड कैश क्या होता, मतलब जो अपन एक्सप्लेन किया हुआ अ कैश विच इज नॉट, वो क्या होता है अनएक्सप्लेन, कौन सा होता है, समझाइए, जैसे मेरे को कोई भी कैश अमाउंट है, कोई भी कौन सा अमाउंट है जो मैंने गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, अरे कौन सा हो जाएगा आपका, अनएक्सप्लेन, कौन सा हो जाएगा आपका, कोई तकलीफ है तक पक्का। बहुत सारी चीज़ें मालूम अपन, जैसे पानीपुरी वाला है बराबर, वो शाम को 4 बजे आएगा, रात को 9 बजे बढ़िया कमा के निकल जाता है, ठीक है, अभी मालूम बहुत सारी चीज़ें उसको कैश में मिलती है, क्या वो अगर वो कैश इनकम टैक्स को बता देता है तो कौन सा होता है एक्सप्लेन, कौन सा होता है, बट वो नहीं बताएगा तो कौन सा होता है अनएक्सप्लेन, कौन सा होता है आपका, कोई तकलीफ है। सेकेंड एक आता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, कौन सा आता है अनएक्सप्लेन्ड, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट एक्सप्लेन, बहुत स्मार्ट लोग हो, इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट, अरे बोलो अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा, ऐसे देखो मालूम बहुत सारे गांव में होते हैं यार भाई ये कमाता नहीं है पर सर गाड़ी कहाँ से लिया इसने बराबर, समझे ये होता है कि नहीं होता, मालूम गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पूरे टाइम गांव में घूमते रहेंगे पर गाड़ी कहाँ से आता है इनके पास, साला हम लोग मुंबई में इतना भाग रहे हैं तो भी बाइक लेने में टेंशन हो रहा है बराबर, और गांव में गाड़ियाँ ले लेते हैं घर ले लेते हैं उसका ना 22-23 लाख का घर बना देते हैं, हमारे गाँव में ऐसा कॉम्पिटिशन चलता है, इसने अगर 22 लाख का घर बनाया तो मैं 25 लाख का बना के दिखाएगा, इसने 25 का बनाया तो मैं 50 का बना के दिखाएगा, 50 से ऊपर लोग बनाएंगे बात समझाइए, तो ये लाते कहाँ से पैसा, टेंशन होता है कि नहीं होता है। आज अपने बिल्डिंग अपने फ्लैट के पास में एक ऐसा बंदा रहता है जो पूरे साल जन्मा तब से बेरोजगार है पर अचानक से उसने ऑडी गाड़ी ले लिया बराबर, अपन कभी उसकी
बोलते ना बड़ाई नहीं करेंगे, कुछ तो किधर तो चोरी चकारी किया रहेगा, बराबर बोलते हैं नहीं बोलते हैं। या फिर क्या बोले मालूम है, कुछ तो दो नंबर का इनकम है इनके पास, होता है ना यार। अभी मेरे को जैसे गांव में मैं रहता हूँ, मेरा पूरे साल का इनकम मैं गवर्नमेंट को कितना बताता हूँ, 2 लाख, कितना बताता हूँ 2 लाख, यानी 10 साल से मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, 2 लाख बता, 2 लाख × 10 कितना होता, 20 लाख ना। बट मैंने 5 करोड़ का वहां पे एक जमीन ले लिया, गवर्नमेंट लव लेटर तो भेजेगी ना यार, भेजेगी नहीं भेजेगी कि भाई बैठो आओ बात करते, बराबर। ऐसा कौन सा स्कीम है कि 20 लाख रुपया कमा के आप 5 करोड़ का क्या लेते हो, जमीन ले लेते हो, बराबर। हमको भी बताओ, हम भी अपने जनसंख्या सब पॉपुलेशन वालों को बताएंगे, वो भी कमाएंगे, बराबर। ऐसा स्कीम मेरे को भी बताओ, अरे यस और नो। अगर मैंने बता दिया, अरे बोला 5 करोड़ में अरेंज मैक्स टू मैक्स कहाँ से करेगा, लोन लेगा ना यार। तो अगर मैं बोलूँ मेरे दोस्त ने लोन दिया है, तो उसको पूछेंगे भाई तूने कहाँ से कमाया, ठीक है, यस और नो। तो अगर मैंने बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो जितना आपने नहीं बताया ना वो क्या होगा, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन कि सर इसने 5 करोड़ का जो घर लिया है या जो भी जमीन ली है ये उसने डिस्क्लोज नहीं करा, तो वो क्या होगा, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। कोई तकलीफ आ तक समझाए, समझा। एक होता है इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, क्या बोला मैंने, इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट, विच इज नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट जो मैंने पूरे तरीके से डिस्क्लोज नहीं किए, खरीदा कुछ अलग अमाउंट पे था और बताया कुछ अलग अमाउंट पे है, नहीं समझे, अरे यस और नो। जैसे मालूम है अपन घर के बाहर जब भी जाएंगे, कुछ अपन ने जैसे पहनने के लिए टी शर्ट ले लिया, अभी ये टी शर्ट मैंने लिया रहेगा 1500, कितने में लिया रहेगा, अभी मैं घर पे 1500 बताएगा, अरे क्या अपना इतना हिम्मत चलता है, क्या बोले मारा 250, कितना बोला, अभी 250 बोलेंगे तो अभी घर वाले भरोसा नहीं करेंगे, तो उसको 450-500 ऐसा बोलना पड़ता है, अरे यस और नो। मेरा क्या ये इन्वेस्टमेंट पूरा डिस्क्लोज है कि सर्टेन डिस्क्लोज है, आपने खरीदा कुछ अलग अमाउंट पे, आपने बताया कुछ अलग अमाउंट पे, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट फुल्ली। तो देर आर सर्टेन ऐसे, एक होता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस, कौन सा होता है अनएक्सप्लेन्ड, अभी बताओ इसका मतलब, एक्सपेंस विच इज नॉट डिस्क्लोज एक्सप्लेन, बराबर। कुछ तो शर्म करो रे, बोलो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस क्या होता है, बोलो। तभी तो सोच सकते, मैंने आपको अनएक्सप्लेन कैश बताया, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट बताया मैंने आपको, फिर अनएक्सप्लेन ये और कौन सा, इन्वेस्टमेंट कैश और नॉट फुली डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट, बराबर, और बस अनएक्सप्लेन एक्सप्लेन, अभी तीन मैंने बताया था, एक तो तुम बता सकते हो ना यार। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सुनना, मेरे को बोलो अगर मैं आज 500 रुपये का खर्चा करता हूँ, क्या तुमको कोई टेंशन आएगा, भाई सर ने 500 कहाँ से खर्चा, इतना बड़ा अमाउंट सर के पास कैसे आया, क्या तुम ऐसा बोलोगे, क्यों, अगर कैपेज निकाल 500 का खर्चा कर सोचे तुम सीए की करो, बराबर। सबसे पहला क्वेश्चन तो वही है, 500 अगर यही मैं तुम्हारे लिए 5 करोड़ का खर्चा कर लेता हूँ तो डाउट आगे नहीं आएगा, अगर डाउट आएगा ना यार, नहीं आएगा क्या डाउट, सबसे पहले डाउट क्या आएगा, पैसा कहाँ से, पैसा इतना सारा खर्चा पैसा कहाँ से, मालूम कभी अपने पड़ोस वाले रोते हैं, अरे यार पैसा ही नहीं है, ये नहीं है, और अपने बेटी की शादी में पूरा 10-12-15-20 लाख का खर्चा कर देते हैं, और उसमें पैसा कहाँ से है, वे बोलते कि नहीं बोलते, नहीं बोलते, होता है ना मालूम, बहुत सारे लोग होते हैं अरे सर पैसा नहीं है, बराबर, और सीधा शादी में मतलब 20 लाख का खर्चा। अभी सबसे पहला क्वेश्चन था पैसा कहाँ से लिया, यानी ऐसे खर्चे जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लालू प्रसाद यादव, सुना आपने, कौन थे मतलब कौन है, लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर रहे हुए, उसके बाद में फिर उन्होंने चारा घोटाला स्कैम करा, बारों में गाय भैंस का चारा भी खा लिया, 1000 करोड़ रुपए का स्कैम किया, कितने किया था, 1000 करोड़ का, अभी जेल में बढ़िया, बराबर, शायद छूट वूट के मालूम नहीं है, बट उनके जितने भी लोग हैं घर वाले कोई ना कोई स्कैम करके बैठे हैं। तो मेरे को बोलो वो लालू प्रसाद यादव की जो बेटी का शादी हुआ था उन्होंने बहुत बड़ा खर्चा किया, बहुत बड़ा, अभी उनका ITR जब चेक किया ना तो उन्होंने इनकम बहुत कम बताया था। देखो तो पॉलिटिशियन है मालूम है पैसा रहेगा, बट यू हैव टू डिस्क्लोज ना, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा और खर्चा बहुत किया, तो इनकम टैक्स खुद शादी में गए थे, बोला सर इतना खर्चा कहाँ से, हमको बताओ ना। मैं बोलो अगर वो एक्सप्लेन कर पाते तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया है तो जितना आपने खर्चा किया है ना उतने पर उसका आपको इनकम माना जाएगा, यस और नो। मैं बोलो अपन खर्चा कभी करेंगे, जब कमाते हैं ना यार, आज मैं तुमको बोलो घर से 500 रुपया लेकर हम लोग पार्टी करें, तुम लोग लेके आओगे,
लेके आओगे? क्यों? अरे सर 500 रुपया इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, बराबर समझाइए, बट यही सीए बनने के बाद में 5000 बराबर, सर आप बोलो कितना चाहिए, कितने जीरो बराबर, जितना आप सोचे उतना जीरो लगा दो बराबर, समझाए, बिकॉज चीजें चेंज है ना यार। तो याद रखना एक्सपेंसेस जो आपने खर्चा करा है बट आपने इनकम का सोर्स डिस्क्लोज नहीं करा है, नहीं समझे? आज अगर मैं तुमको 500 रुपये खर्चा करूंगा मैं बोल दूंगा अरे भाई इतना तो कमा ही सकता ना यार, बट ये मैं 5 करोड़ का करूंगा ना, और अगर मैंने नहीं बताया तुमको डाउट आ जाएगा सर ने कोई तो बड़ा बोलता है ना बड़ा कांड किया, बराबर समझा नहीं समझा? तो याद रखना अगर मैं 5 करोड़ जो खर्चा आप पे किया है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ तो 5 करोड़ मेरा इनकम माना जाएगा, इज इट क्लियर? नॉट। और टैक्स रेट कितना मालूम है? 78% कितना है? यानी अगर 100 करोड़ रुपया तुम्हारे घर से मिल गया तो उसके ऊपर आपको टैक्स कितना पे करना है? 78% कितना पे करना है? 78 करोड़ कितना होगा? 70, वो तो हो गया। अलॉन्ग विद दैट आपको पेनल्टी क्या पे करना है आपको? यानी 100% पेनल्टी लगता है, 200% लगता है, 300% लगता है, तीनों में से कोई भी एक चार्ज हो सकता है। अगर सपोज मैं एकदम से वो इनकम टैक्स वाले आ गए और बोला कि आपके घर पे रेड पड़ा है, मैं डर गया, मैंने उनको बोला सर बैठो मैं खुद पैसा लेके आता हूँ बराबर, मैंने उनको बता दिया तो वो पेनल्टी कम लगाएंगे क्योंकि मैंने कॉपरेट किया, येस और नो? बट अगर मैंने कॉपरेट नहीं करा और भाई जो ढूंढना नहीं है पैसा इधर जाओ बराबर, तो 200 में कितना लगेगा? और मैंने उनके साथ कॉपरेट किया ही नहीं, मैं आए सीधा मैंने सबको घर बोला मारो मारो बराबर, अगर मैं क्या मैंने सर सपोर्ट किया कि नहीं किया? नहीं किया ना, तो कितना लगता है? 300। यानी बेस्ड ऑन नेचर आपने कैसा कॉपरेट किया उसके ऊपर आपको पेनल्टी लगा, येस और नो? समझा? जब मोदी जी आए थे ना 2014 में ना, तो उन्होंने 2014 से 19 के बीच में उन्होंने एक स्कीम लेके आए थे, मेरे को बोलो अगर सपोज तुम्हारे घर पे ब्लैक मनी है, इनकम टैक्स वाला तुम्हारे घर पे आएगा कितना पे करना है? 78% प्लस पेनल्टी ना यार। अभी आप 78 का 100% पेनल्टी भी देखोगे तो भी कितना होता है? 150। यानी आपने कमाया 100 है, आपको पे करना पड़ेगा 150। कितना पे करना पड़ेगा आपको? तो आप सबसे बढ़िया भगवान से वही प्रार्थना करो, या तो मर जाओ या फिर वो ब्लैक मनी मिलना नहीं चाहिए, बराबर समझाइए? मिला तो वो तो जाएगा साथ में और एक्स्ट्रा लेके जाएगा। तो मैं तुम घर पे आया कितना पे करना है? 78 कितना करना है? यस ऑन। और 78 प्लस पेनल्टी पे जाएगा ना यार। अभी मोदी जी ने क्या अनाउंस किया था कि जिनके पास भी ब्लैक इनकम, कौन सा इनकम है आप सामने से आके बता दो, सामने से आके बता दो। हम क्या करेंगे मालूम है? हम टैक्स कितना चार्ज करेंगे? कितना करेंगे? ओनली 55% ओनली। यानी आपको जितना ब्लैक इनकम है ना 100, उसमें से 55 रुपीज आपको टैक्स पे करना है, 45 विल बी योर वाइट इनकम। कौन सा हो जाएगा आपका? यानी हम आपको कोई पेनल्टी चार्ज करेंगे नहीं। मेरे को बोलो जिनके पास ब्लैक इनकम है उनके लिए अच्छी बात ही ना ये, क्योंकि पकड़े गए तो सब कुछ जाएगा। इससे बेटर क्या मालूम है? सामने से दे दो। साउथ मुंबई में एक डोसा वाले ने कितना किया मालूम? 10 करोड़। कितना डिस्क्लोज किया था? 10 करोड़। कितना किया था? मेरे पास 10 करोड़ ब्लैक इनकम। कितना? 10 करोड़। तो अगर वो पकड़ा जाता तो खत्म ना। अभी वो 10 करोड़ पे कर दिया तो मेरे को 4.5 करोड़ तो उसका वाइट हो गया ना यार। अभी बंदा आराम से बढ़िया जिंदगी जी सकता है, यस और नो? समझा है समझा? इज इट क्लियर नॉट? अरे याद रहेगा तो मेरे को बोलो नॉर्मली, ये तो पहले स्कीम था अभी खत्म हो चुका है, बट अभी मेरे को नॉर्मली कितना है यहाँ पे? 78%। कितना आपका? 70 तो तकलीफ है तक। अरे पक्का श्योर? यानी ऐसी इनकम जिनके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? इन द ईयर इन विच डिस्क्लोज, इन विच एनी प्रॉब्लम? कैन वी लॉक दिस? पक्का? सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 क्या मतलब है? 80-80 क्या मतलब है? 80-80 सुना ध्यान से। 80-80 मतलब एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1960 बराबर, यस। यानी ऐसा कोई भी इंसान जो इन
क्या है वो लायबल, क्या है वो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग क्या टैक्स पे करने लायबल हो, क्या तुम्हारी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है कि कम है, जीरो ही है बराबर, अरे यस और नो, तो क्या तुम एसएससी हो, अरे हो, हो मैं पक्का ना श्योर कि 2.5 लाख से कम, कम की ज्यादा, तो मैं एसएससी हुआ कि नहीं हुआ, जुजार सर, योगी सर, तो एसएससी कभी मालूम है। देखो मैं टैक्स पे करूं नहीं करूं वो बात अलग है, बट अगर मैंने पूरे साल में टैक्स पे करने के लिए मैं लायबल हूं तो मेरे को एसएससी माना जाएगा। अरे याद रहेगा नहीं रहेगा सबसे पहले, और जब तक एसएससी नहीं बनता ना हम लोग उसके पास से टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। जैसे विराट कोहली की लड़की मालूम है नाम क्या उसका, वामिका बराबर, वो जैसे पैदा हुई थी तो क्या वो पैसे वाले, हाँ पैसे वाले के घर पे पैदा हुई है, पर उसके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ रहेगा ना यार, अरे यस और नो। पर अभी तो विराट कोहली ने उसके नाम से इन्वेस्टमेंट किया रहेगा नहीं किया रहेगा, तो उसका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होगा ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली होगा ना यार। तो मेरे को बोलो क्या वो एसएससी हुई कि नहीं हुई, वो एसएससी चाहिए। अपने घर पे हम लोग 20 साल के हो गए अभी तक अपना एसएससी नहीं है, अरे समझाए समझा। जैसे हम लोग 2.5 लाख से ज़्यादा कमाएंगे हम लोग क्या बन जाएंगे, एसएससी, क्या बन जाएंगे, कोई तकलीफ है, घर घर का फर्क है ना यार, समझा नहीं समझा। जैसे MS धोनी है उसकी लड़की का नाम है जीवा, तो अभी उनके नाम से इन्वेस्टमेंट रहेंगे ना यार, अपने घर पे पैदा होते क्या होता है, मामा आएंगे 500 रुपया देंगे बराबर, मालूम मामा मिठाई लेके आएंगे, फिर घर वाले मालूम है इधर से वो कपड़ा वपड़ा लेके आके दे देंगे। अभी लड़का पैदा होता है उसमें कपड़े के भी ऑप्शन नहीं है बराबर, लड़की के तो चलो 10-15 ऑप्शन रहते ज़्यादा, लड़का पैदा चल पाइए दे दो भाई खत्म, उनके घर पर जब पैदा होंगे तो मेरे क्या 500 रुपये लेके आएंगे, नहीं समझे। मेरे को जैसे KL राहुल और उसका कौन था वो लड़की, आतिया सेठ, इसको सब मालूम क्रिकेट का लाइव, आतिया सेठ, उसका शादी हुआ तो मालूम है MS धोनी ने महंगा गाड़ी दिया, विराट कोहली ने महंगा कार, करोड़ों का कार दिया बराबर, अपने घर शादी में ऐसा कुछ होता है, अरे होता है, अपने शादी में वो खाने का प्लेट देख के खर्चा देते बराबर, अगर प्लेट हाई फाई है तो चलो थोड़ा ज़्यादा दे देंगे खाने में शर्म आएगा बराबर, बट अगर प्लेट नॉर्मल है भाई नॉर्मल देंगे, होता है कि नहीं होता, बेस्ड ऑन आप कहाँ पे आपका शादी हो रहा है कैसे हो रहा है ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, इज इट क्लियर नॉट। तो यही चीज है मेरे को बोलो, अगर जिसका इनकम 2.5 लाख से ऊपर गया वो बंदा टैक्स पे करने के लिए लायबल है, यस और नो, भले ही वो पे कर रहा है नहीं कर रहा है दैट इज डिफरेंट, बट अगर 2.5 लाख से ऊपर गया यू आर कॉल्ड एज अ एसएससी, इज क्लियर नॉट। सेकंड, एनी पर्सन ऑन हुम सर दिस एक्ट, यानी एनी पर्सन जिसके ऊपर क्या चल रहा है सर, अंडर इनकम टैक्स एक्ट कोई केस क्या चल रहा है कोई भी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे असेस, क्या बोलेंगे उसको हम लोग। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक प्रोसीडिंग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गार्निशिंग, क्या बोलते हैं गार्निशिंग प्रोसीडिंग, तो ना उसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये मेरा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में मेरे को बोलो ये साइड में क्या आता है असेट की लायबिलिटी, असेट, ये साइड में बैलेंस शीट स्टेटमेंट है कि अकाउंट है, पक्का बैलेंस शीट डेबिट क्रेडिट होता है पक्का ना। अभी सुनना, असेट में मेरे को बोलो क्या आता है, डेटर्स की क्रेडिटर्स है, डेटर्स की क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डेटर्स, क्या लिखा मैंने अभी डेटर्स में सबका नाम लिखा, क्या लिखा सबका नाम बराबर, यस जैसे राइट स्पेलिंग रॉन्ग ही रहेगा ना, बोल अर्पणा, ये यहां पे कितना लिखा है 6 लाख, कितना लिखा है, इसका मतलब मैं अर्पणा के पैसे मांग रहा हूं या अर्पणा मेरे पैसे मांग रही है, मैं मांग रहा हूं बराबर, यस और नो। अभी मैंने क्या किया, कुछ टैक्स वैक्स पे नहीं किया, मैंने कुछ टैक्स वैक्स पे नहीं किया, तो इनकम टैक्स अपने को ऑब्वियस लव लेटर भेजेगा यस और नो, कैसे आइए मिलते बराबर। मेरे को बोलो अभी क्या मिलने जाएगा, अरे क्या मिलने जाएगा, मिलने जाएगा खत्म हो जाएंगे ना, पकड़ लेंगे बराबर। मैं बोला सर नहीं मिलना, मिलना है ही नहीं है, वो मेरे पूरे बैंक अकाउंट सीज कर देगा, सब कुछ सीज, यानी जितना पैसा वो रिकवर कर सकता है। बट अपने को मालूम, अपन एकदम स्मार्ट है, अपने पूरा बिजनेस विजनेस सब मम्मी पापा भाई बहन और वाइफ के नाम से सेटल करके, अपने नाम से कुछ है ही नहीं है,
अपने को बेचोगे मार्केट में कुछ नहीं आने वाला, ये सब क्या मेरे से कोई रिकवर कर सकता है? नहीं करेगा ना। अभी उसने क्या देखा मालूम, बैलेंस शीट में क्या देखा? डेटर्स। क्या देखा? डेटर्स। क्या देखा? डेटर्स में नाम किसका देखा? अर्पणा। किसका नाम देखा है? नाम देखा उसका। अभी इनकम टैक्स क्या करेगा मालूम है? इसको लेटर भेजेगा, बराबर, यस और नो, कि आप है ना पेमेंट दर्शन को मत करना। किसको मत करना? आप सीधा पेमेंट इनकम टैक्स को कर दो, हम उसके पैसे मांग रहे हैं, उसके पैसे। वो सीधी बात है ना यार, अभी ये लड़की डर जाएगी ना यार, अभी इनकम टैक्स का नोटिस आया, इसने मेरे को कॉल किया, सर ये क्या मैं देख रही हूँ, बराबर, इनकम टैक्स का नोटिस आया है। मैं बोला अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तेरे को मैं कुछ खराब दिखता हूँ, तेरे को मैं लगता हूँ, बुरा लगता हूँ? अरे नहीं नहीं सर, आप तो बहुत अच्छे, तो फिर वो तो बिना फालतू तो पता नहीं कोई मिसमैच हुआ है, कोई दूसरा दर्शन है, ये दर्शन को नोटिस आ गया, ठीक है, टेंशन मतलब पूरा पैसा मेरे को दे दे, ये सर नो, इसने पूरा पैसा मेरे को दे दिया। क्या इनकम टैक्स का नोटिस इसने कंप्लाई किया कि वायलेट किया? नॉर्मली इसका इनकम कुछ है नहीं, बट इसने वायलेट किया कि नहीं किया? अभी केस इसके ऊपर भी चलेगा, तूने उसको पैसा क्यों दिया? समझाएं, समझा? दैट इज कॉल्ड गार्निशिंग प्रोसीडिंग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? यानी अगर मेरा पैसा कहां पे अटका है ना, तो इनकम टैक्स इसको भी नोटिस भेज सकती है, और अगर इसने कंप्लाई किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो ये भी क्या बन गई? असेस, क्या बन गई ये? समझाइए, अरे इज इट क्लियर नॉट? यानी ऐसा कोई इंसान जिसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट में क्या चल रहा है, कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी, इज इट क्लियर नॉट? अरे कैन वी लॉक दिस? विकास, एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सन या नॉन रेसिडेंट, या फिर नॉन रेसिडेंट, सुना ध्यान से, एनी रिप्रेजेंटेटिव, मेरे को बोलो, दैट इज एन एग्जाम्पल, रिलायंस है, टाटा है, बराबर, बहुत सारी कंपनी, जैसे आपने सुना है सहारा लिमिटेड, सुना है सहारा, उसने बहुत बड़ा स्कैम किया था, उसके ओनर का नाम सुब्रत रॉय, सुना है, उसने स्कैम किया था, उसने पब्लिक का डिपॉजिट पैसा खा लिया था। अभी इनकम टैक्स, मेरे को कंपनी सारा को नोटिस भेजा रहेगा कि इनकम टैक्स ने जैसे सारा लिमिटेड को नोटिस भेजा कि आप यहाँ पे आइए, क्या कंपनी खुद जा सकती है उधर? क्या जा सकती है? तो कौन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टर हो गया, वही जाएंगे ना यार। अभी रिलायंस को नोटिस आएगा तो क्या रिलायंस खुद जाएगा उधर कि उसके डायरेक्टर जाएंगे, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएगा ना यार, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? असेस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? क्या बोलेंगे उसको हम लोग? इज इट क्लियर नॉट? यस। तो कोई भी अगर रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी अगर क्या है, जैसे हॉस्पिटल है, कॉलेजेस है, बराबर, उनको को नोटिस आएगा तो मेरे बोलो कौन जाएगा वहां से? वहां के ट्रस्टी जाएंगे ना यार। तो दैट इज कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, उनको भी हम लोग क्या बोलेंगे? असेसी। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? इज इट क्लियर नॉट? अरे समझा? चलिए एंड द फोर्थ, any person who is assessing, अगर income tax का कोई भी section जो government बोलते कि बेटा अगर तू violate किया ना, you will considered as a assessing default, बराबर, तो मेरे को कुछ पेमेंट करना था और पेमेंट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग करना था और मैंने नहीं किया, तो आई विल कंसीडर एज असेस इन डिफॉल्ट और मैं क्या बन जाऊंगा? असेस। क्या बन जाऊंगा मैं? इज इट क्लियर नॉट? देखो तकलीफ यहां तक, यानी याद रखना, जब तक पर्सन असेस ही नहीं होता ना, तब तक इनकम टैक्स का कोई भी प्रोसीडिंग चालू नहीं होगा। आप जस्ट पैदा हुए, क्या इनकम नोटिस भेजेगा आपको टैक्स पे करने का? भेज सकता है कि सर टैक्स पे कर लो? अरे भाई टैक्स किस बात का, हम तो 20 साल तक तो कमाएंगे भी नहीं, बराबर, तो क्या आप समझाइए? बट हाँ, आप कमाने लग गए फिर आपने टैक्स पे नहीं किया, क्या नोटिस आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज जैसे आपने 2.5 लाख से ऊपर कमाया, यू आर कंसीडर एज असेसी, बड़ा समझाइए, क्या बन गया आप? असेसी। इज इट क्लियर नॉट? अरे यस और नो? गुड मॉर्निंग, तो लिख लो ये, सुनो, नेक्स्ट आते हैं, देखो अभी जो आपके May 24 के लिए है ना, वहां पे हम लोग जो टैक्स रेट पढ़ेंगे,
लोग क्या पढ़ेंगे, टैक्स रेट्स. क्या पढ़ेंगे हम लोग, सुनना, अभी टैक्स रेट जो है ना यहाँ पे हम लोग दो पढ़ेंगे, एक टैक्स रेट कौन सा आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, बराबर. सुनना, ये समझेंगे तो आगे अपने को थोड़ा बहुत समझा, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, और सेकेंड कौन सा आपका अदर, कौन सा आपका अदर को मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलेंगे अपन. डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो है ना वो कौन सा आपका, एक सेक्शन आएगा 115 BAC, कौन सा 115 BAC, बराबर. ये पढ़ेंगे कभी, वो बाद की बात है, बट हाँ इतना फिक्स है टैक्स रेट एक कौन सा आएगा मेरे को 115 BAC, कौन सा आएगा 115. तो यहाँ पे क्या लिखते मालूम है, अदर किसके लिए, द पर्सन हु शिफ्टिंग आउट फ्रॉम 115, तकलीफ है समझा. अगर मेरे को बोलो आपने कौन सा पढ़ लिया, आपको लगता है कि नहीं मेरे को कहां पे जाना चाहिए 115 BAC, कहां पे जाना चाहिए 115, तो ये आपका कौन सा है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, बराबर, यस और नो, कोई तकलीफ है आज तक. बट नहीं मेरे को सर ये नहीं लेना है, तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा, अदर, कहां पे जाना पड़ेगा. समझा नहीं समझा, ये May 24 से, उससे पहले ऐसा कुछ मगजमारी नहीं था, बराबर. May 24 होना जब से ज्यादा अमेंडमेंट, और May 24 में अमेंडमेंट ज्यादा आते हैं, कोई भी मे का एग्जाम रहेगा वहां पे आपको 15 मार्क का अमेंडमेंट पूछा जाएगा, इज इट क्लियर, समझाइए. तो अमेंडमेंट अलग से अपने को ढंग से पढ़ना है, इज इट क्लियर. सुनना मेरे को, कितने अपने पास दो है, पहला टैक्स शीट कौन सा आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, कौन सा आपका, सेकेंड कौन सा आपका अदर. अभी अदर में कोई चेंज नहीं है, जो चेंज है वो कहाँ पे है, कहाँ पे है, और 115 BAC तभी समझेगा जब हम लोग ये पूरा पढ़ेंगे. नहीं समझा, नहीं समझा, यानी जब मेरे को पूरा सैलरी हेड पढ़ूंगा, हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस सब पढ़ूंगा ना, यानी जब मैं ये वाला चैप्टर करवाऊंगा ना, कौन सा वाला, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, उसके साथ में अपन कौन सा पढ़ेंगे 115 BAC. नहीं समझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको अलग अलग हेड से मिलेगी, यस और नो. तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, डिफॉल्ट वाला या नॉर्मल वाला, अदर्स, कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, अदर्स वाला, अरे यस और नो. क्योंकि 115 BAC कभी पढ़ेंगे, जब आप सब कुछ पढ़ लोगे ना, व्हेन यू विल बिकम द एक्सपर्ट, तो तुमको 115 BAC समझ में आएगा. अभी पढ़ेंगे बाउंस, कहाँ से आएगा, भले कितना भी ऊपर बैठो कहाँ से बैठो, ठीक है, बाउंस होके जाएगा, इज इट क्लियर. तभी अपन कौन सा पढ़ेंगे, अदर्स वाला. अदर्स को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शिफ्टिंग आउट फ्रॉम 115. चलिए तो यहाँ पे लिखता हूं मैं टैक्स रेट्स, यहाँ पे क्या लिखूं बोलो, चलो कौन सा रहेगा आपका, शिफ्टिंग आउट फ्रॉम 115. तो मैं बोलो जो ही हम लोग टैक्स रेट पढ़ने वाले हैं, ये उनके लिए रहेगी जिन्होंने क्या किया है, शिफ्टिंग आउट कहां से किया, 115 BAC, उनके लिए ये टैक्स रेट क्या रहेगी, एप्लीकेबल क्या रहेगी, कोई तकलीफ आ तक. अभी से प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो अभी आपको वैसा मुंह उतार के बैठने की जरूरत, तुम हंस के बैठेंगे, ठीक है, बराबर. मालूम है कि गार्डन में कहते हैं, हाँ हाँ ऐसा कुछ करवाए, ऐसा कुछ करवाए, विकास तैयार भी हो गया, ऐसा कुछ कर रहे हैं. चलो सुनना, सबसे पहला इंडिविजुअल HUF AOP POI AJP, थोड़ा इसे यहाँ पे अलग कलर से लिखते हैं. नॉन रेसिडेंट, बराबर. अभी सुनना, अभी जो मैं टैक्स शीट बता रहा हूँ ना, वो किसके लिए है, इंडिविजुअल किसके लिए है, HUF BOI AJP और नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंट यानी उनके लिए टैक्स कैसे बनना हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, यस और नो. क्या इसमें कंपनी दिया हुआ है, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी,
एज अपना लोकल अथॉरिटी दिया नहीं दिया ना अपने को, तो उनके लिए अलग रेट है, उनके लिए कौन सा रेट है आपका? इज इट क्लियर नोट? चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल इनकम और सामने क्या दिया उनका, क्या दिया सामने उनका? चलिए वो क्या बोलते हैं कि सर अगर टोटल इनकम उनका कितना है अप टू 2,50,000, अप टू 2,00,000, तो उनको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अरे यस, 2,50,000 तक क्या आपका? नील, क्या आपका? बट अगर 2,50,000 से ज्यादा है, 2,50,000 से और कहां तक है 5,00,000, कहां तक है, तो वहां तक कितना पे करना है? ओनली 5%, ओनली कितना परसेंट? बट अगर सर 5,00,000 से ज्यादा है और 10,00,000 कहां तक है, कितना पे करना उनको? 20%, कितना पे करना उनको? और अगर सर मोर देन 10,00,000 है, मोर देन कितना उनका, तो उनको पे कितना करना पड़ेगा? 30%, कितना पे करना पड़ेगा? कोई तकलीफ हुआ यहां तक? समझा अपने को? सबसे पहला मेरे को बोलो, सबसे पहला अगर इनकम कितना है 2,50,000, कितना इनकम, क्या को टैक्स पे करना है? 2,50,000 से 5,00,000, 5 से 10 एंड मोर देन 10, कोई तकलीफ हुआ अपने को? पक्का? ये किन के लिए? द पर्सन हु इज शिफ्टिंग आउट फ्रॉम 115, यानी जो कहां शिफ्ट हो रहे हैं, 115 बीएसी से क्या हो रहे हैं, शिफ्ट क्या हो रहे हैं, बराबर, जो 115 बीएसी है उनके लिए अलग है, वो बाद में पढ़ेंगे बराबर, बट अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, द पर्सन हु शिफ्टिंग आउट फ्रॉम दी 115 बीएसी, तो उनके लिए सबसे पहले क्या बोला, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी और नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल क्या रहेगा, टोटल इनकम, क्या आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल इनकम डिडक्शन से पहले आता है कि बाद में आता है, पहले की बाद में, बाद में आता है, अरे यस और नो, तो वहां पे क्या बोला है, अप टू 2,50,000 क्या होगा, निल, क्या होगा, 2,50,000 टू 5,00,000 कितना परसेंट है, 5,00,000 टू 10,00,000 कितना आपका, एंड मोर देन 10,00,000 कितना आपका, कोई तकलीफ है आता, पक्का? और फिर जब आप ये लिखोगे ना तो 3 से 4 पेज, कितने, 3 से ये लिखना है, उसके बाद में 4 पेज छोड़ना, फिर जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा ना वो 4 पेज के बाद में लिखना, सब चल सब समझाइए, अरे समझा, सुना, मैं यहाँ पे लिखूंगा चलेगा, ठीक है, सुना, अभी पेज छोड़, सुना, क्वेश्चन करते हैं, नाम क्या है, टोटल इनकम कितना दिया है, 9,70,000, 9,00,000 क्या निकाला अपने को, टैक्स क्या निकाला अपने को, चलो सब लोग यहाँ पे देखना, कैलसी लाए हो, कौन कौन नहीं लाया, कौन कौन शादी में आया, सुशील तू आया, क्या नाम लिया, वही आ गया, बाकी सब लाया ना कैलसी, चलो सुनना, मैंने बोला सबसे पहला अपने को टोटल इनकम है बराबर, सामने टैक्स है, एक बार यहाँ पे देख लो, मैं बोलूँ ना तभी कैलसी करना, ठीक है, अप टू 2,50,000 क्या है, नील है ना, यानी 2,50,000 तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा, नील, क्या आएगा, तकलीफ है, अभी 2,50,000 से कहां तक जाना अपने को, 5,00,000 कहां तक जाना अपने को, बट मेरे को अपना इनकम 9,70,000 है ना, क्या 5,00,000 से भी ज्यादा है कि नहीं है, यानी पूरा 2,50,000 से 5,00,000 पूरा कवर हो गया ना यार, तो 2,50,000 to 5,00,000, चलो एक काम करो कैलसी लो, या जितना बोलो उतना ही करना, मेरे को तो आंसर भी आता बराबर, समझाइए, चलो एक काम करो कैलसी में ये 5,00,000 लो, ये वाला 5,00,000 या उसमें से ये वाला 2,50,000 लेस करो, कितना आता है, तुमको भले ही आता था बराबर, बट 2,50,000 आया कि नहीं आया, चलो ये 2,50,000 जो डिफरेंस है इस पे कितना परसेंट लगेगा, वेरी गुड, 12,500, समझा 12,500 कौन सा लिया, क्यों लिया मालूम है, सर मेरा इनकम कितना, सॉरी सुशील का इनकम कितना है, 9,70,000, कितना है, 9,00,000, इज इट मोर देन 5,00,000, तो पूरा 5,00,000 का लिमिट कवर हो गया ना यार, अभी आगे अपना क्या मालूम है, 5,00,000 से
बट क्या सुशील 10 लाख तक जाएगा 9 लाख 70 तक ही जाएगा? 10 लाख तक तो उसका इनकम भी नहीं है ना यार, उसका इनकम कहाँ तक है? तो यहाँ पे आएंगे 9,70,000। चलो अभी एक काम का कैलसी लेना, 9,70,000 में से 5 लाख लेस करना, कितना आता है? 4,70,000। उस पर टैक्स रेट कितना आपका, कितना आता है? 90, टोटल करिएगा 1,06,000। कोई तकलीफ हुआ? अरे कुछ भी तकलीफ हुआ, यानी ये पूरा टैक्स लायबिलिटी नहीं निकाला अपन ने, अपन स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें और आएगी, ठीक है, वो अपन साथ में पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। बट मेरे को अभी तक नॉर्मली स्लैब के हिसाब से कितना आ रहा है उसका? 1,06,500। कितना आ रहा है? 1,06,000। कोई तकलीफ है? पक्का? कैन वी लॉक दिस? श्योर? एक महीने क्या काम करोगे? हाँ तो बोलो। सुशील के पास में नाम क्या है? सर पंद्रह लाख पचास नहीं लिख के करोगे? एक काम करो, 4 पेज छोड़ दो, ये लिख दो, उसके बाद ये निकालो, ठीक है। चलो इसका आंसर कितना आया? 2,77,500। अभी तक ये फाइनल लायबिलिटी नहीं है, मैं खाली आपको स्लैब रेट से टैक्स निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे बोलूंगा ना, हाँ अभी फाइनल है, मतलब आप पूरा आपको फिर लास्ट में फाइनल टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा, इज इट क्लियर नॉट? अभी सुनना, चलो ये टैक्स रेट एप्लीकेबल किसको था सर? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। एक बड़ा पाव के तो बिके हुए। चलो उसके बाद में फिर टू, चलो टू में क्या आएगा मालूम है? यहाँ पे रेसिडेंट इंडिविजुअल क्या आएगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल, बड़ा सुना ध्यान से। अभी याद रखना, जब भी पूरे इनकम टैक्स में कहाँ पे लिखा है ना रेसिडेंट, क्या लिखा है? तो रेसिडेंट के अंदर दो लोग आएंगे, एक है ROR, एक कौन है? ROR। और दूसरा कौन सा रहेगा? RNOR। दूसरा कौन सा रहेगा? बराबर। अभी खाली इतना सुनना, एक चैप्टर आएगा अपना डिटरमिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, बराबर, तो वहां पे मालूम पड़ेगा हु इज द ROR, हु इज द RNOR। बट अभी खाली याद रखना, ROR मतलब क्या होता है? रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या बोला मैंने? रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और INR का मतलब क्या होगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये आम इंसान है, ये आम इंसान नहीं है, समझाइए, याद रहेगा। बट जब भी रेसिडेंट लिखा है, क्या लिखा है? तो आपको वहां पे दो लोग आएंगे, ROR और RNOR। कोई तकलीफ है? एनी प्रॉब्लम? क्या नॉन रेसिडेंट आएगा इधर? नहीं आएगा, समझाइए। यानी अगर क्या लिखा है? रेसिडेंट। क्या लिखा है? तो दो लोग आएंगे, एक आएगा कौन सा? ROR, एक कौन सा आएगा? RNOR। नॉन रेसिडेंट कभी आएगा नहीं। यहां पे वो क्या बोलते हैं? जिनका एज मोर देन इक्वल टू कितना है? कितना है? एंड लेस देन 80 ईयर, लेस देन 10। इन विच ईयर? ये याद रखना बहुत जरूरी। तो मेरे को उम्र देखना, क्या देखना मेरे को? उम्र कौन सा देखना? प्रीवियस ईयर का कि असेसमेंट ईयर का? कौन सा देखना अपने को? इज इट क्लियर नॉट? याद रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सुनना, इतना फिक्स है, इनको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सीनियर। यानी अगर किसी का उम्र 60 साल कितना हो गया, तो भी वो क्या बन जाएगा? सीनियर। अगर 61 है तो भी क्या है वो? 79 है तो भी क्या है वो? 80 हुआ ना तो वो सीनियर सिटीजन नहीं है, वो कौन है? सुपर सीनियर सिटीजन। कौन है वो? जैसे मेरा उम्र 85, कितना है? तो क्या मैं सीनियर हूँ कि सुपर हूँ? समझाइए। अरे यस और नो, कोई तकलीफ है?
याद रहेगा, 80 से ऊपर, 80 या उससे ऊपर जितनी भी उसकी जीने की इच्छा है बराबर, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर सीनियर सीनियर। बट इज इट एप्लीकेबल फॉर सुपर की सीनियर, क्या सुपर है इसके अंदर? तो ये स्लैब किसके लिए रहेगा? ओनली फॉर दी, वेरी गुड, ओनली फॉर दी स्टाइपेंड प्रॉब्लम। थोड़ा मेरा हाँ, ये जो पढ़ रहे वो ओनली फॉर सीनियर, उनको लिखना पड़ेगा। खाली थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे 2.5 लाख की जगह कितना आ जाएगा और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, बाकी एकदम तकलीफ है। यानी अगर सीनियर सिटीजन कौन है कोई, तो वहां पे स्लैब 2.5 लाख का है कि 3 लाख का है? अप टू 3 लाख, अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, मोर देन 10 लाख, कोई तकलीफ हुआ तो पूरा याद करना। अपने को उम्र दिया रहेगा, अपने को मालूम है सीनियर है सुपर है कि नॉर्मल है बराबर, कुछ नहीं दिया मतलब नॉर्मल है। अरे समझाइए, नहीं समझे, नहीं समझा। जैसे कोई मेरे को बोलेगा सर मैं ये हूँ, मैं एडमिशन के लिए आ रहा हूँ, तो मैं नॉर्मली समझूंगा ना यार कि बंदा पागल। अरे समझा नहीं समझा। तो अगर क्वेश्चन देखो, अपन ने यहाँ पे देखो किधर क्या, अपने दो एग्जाम्पल लिए थे, एक कौन था मिस्टर, तो सुशील लिखा है, क्या लिखा है वो सीनियर है, नहीं ना यार, इसका मतलब वो नॉर्मल है, वो कौन है वो normal। याद रखना जब भी क्वेश्चन में खाली नाम दिया है तो आपको दो चीज डिफॉल्ट अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। पहला कौन सा, वो बुढ़ा नहीं है। सेकंड कौन सा, वो रेसिडेंट है। वो कौन है resident। वो कौन है resident। जैसे यहाँ पे देखो प्रीतम लिखा है, प्रीतम देखो ये देख के कुछ मालूम पड़ता है कि ये देख के को लग रहा है बंदा बुढ़ा है, लग रहा है मतलब बंदा बुढ़ा, और ये कौन है रेसिडेंट है। कौन है? इफ द पर्सन इज इंडिविजुअल इज नॉन रेसिडेंट तो आपको क्वेश्चन में देगा वो, अरे यस और नो, ये थोड़ा ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट और ऐसा अज्यूम मत करना, इट इज अज्यूम दैट ही इज अ रेसिडेंट, भाई अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है, वो रेसिडेंट ही, अरे यस और नो। ये अपना आईसीए का सबसे सिंपल रूल है, मेक अ अजम्पशन व्हेन क्वेश्चंस आर नॉट क्लियर, व्हेन क्वेश्चंस आर नॉट व्हेन यू आर नॉट क्लियर। अरे समझाइए, ये समझा, दोनों फर्क समझा। क्वेश्चन अगर लगता है क्वेश्चन में गलती है तो अजम्पशन करो बराबर, अपने में गलती है तो अजम्पशन मत रखो, यस और नो समझाइए। इज इट क्लियर? पक्का? सुन ध्यान से, कोई तकलीफ है तो मेरे को एक आंसर देना। अपना प्रीवियस ईयर एग्जाम के लिए कौन सा, 23-24, ये अपना प्रीवियस है, आपको ये साल की इनकम निकालनी है और टैक्स कभी भरेंगे हम लोग 24, कोई तकलीफ है? अभी सुना ध्यान से, यहाँ पे मैं 65 ईयर्स कितने का हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाऊंगा, तो मेरे को अपने लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख, कोई तकलीफ हुआ? यहाँ पे मैं 58 कितना हूँ, मैं यहाँ पे मैं कितना हूँ सर, 59 होगा ना, 59 क्या, 2,50,000, अरे यस और नो, यहाँ पे 59 यहाँ पे 60 क्या रहेगा, समझा नहीं समझा। 60 साल कभी हुआ बंदा, प्रीवियस ईयर में क्या, असेसमेंट ईयर में, और अपन ने इधर बड़े लेटर में क्या लिखा है, क्या लिखा अपन ने, तो उसका उम्र अपने को कभी देखने का, प्रीवियस की असेसमेंट बोलोगे, पर मेरे को तुम पे पूरा भरोसा, जो बोलो मैं बोलता हूँ ना भूलोगे वही तुम भूलोगे, समझाइए क्या ये याद रहेगा, तुम ना बोलो तो याद रहेगा बराबर, समझाइए क्या ये याद रहेगा, नहीं सर समझना। आगे पढ़ेंगे ना, एक क्वेश्चन ऐसा है अगर जो आप 6 महीने बाद में भूल गए, 50 रुपया फाइन है, कितना फाइन है, और मैंने हर बैच से 1500-2000 इकट्ठा किया हुआ है, अभी याद रहता है बाद में भूल जाते हैं, मालूम है, सुना ध्यान से, आगे आगे टेंशन मत लो, तब तक 50 रुपये कमाई लोगे, एनी प्रॉब्लम। अभी चलो नेक्स्ट आते, वापिस रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट, रेसिडेंट में दो लोग कौन आते हैं, कौन नहीं आएगा, नॉन एनआर आएगा नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे आते हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनका उम्र मोर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 80 ईयर्स एंड अबव, एंड कौन नहीं लिखते, कोई बंदा 100 से ऊपर भी जी सकता है, यस और नो, जिसकी जितनी उसकी इच्छा है बराबर, बट इन कौन सा साल, कौन सा प्रीवियस, एनी प्रॉब्लम,
यानी अपने को ये उम्र उम्र का भी देखना, प्रीवियस की असेसमेंट, वेरी गुड। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, सुपर सीनियर, एनी प्रॉब्लम? चलिए अप टू 5 लाख, टू 5 लाख, कोई तकलीफ है? 5 लाख तक आपको एक भी रुपया टैक्स पे करने की जरूरत, 5 लाख से 10 लाख, 20 की 5, कितना लिखा वहां पे? क्योंकि देखो ऊपर अपन हमेशा कितना पढ़ रहे हैं, 5 बराबर, इसका नहीं कि नील के बाद में 5 ही आएगा, अभी यहाँ पे कितना है नील के बाद में? अभी यार तेरे को 5 लाख तक हम टैक्स भी नहीं ले रहे, ऊपर से तो बोलता है कि 5% भरूंगा, बराबर समझा? क्या ये सही या गलत है? सीधा कितना भरना है? मोर देन 10 लाख, 34। बट क्या ये नॉन रेसिडेंट के लिए है? यस कि नो? नहीं है भाई, ऐसा है ना कि यस सर ही बोलना, लास्ट समय बोला था यस बोलूंगा, बराबर। बोलो क्या ये एनआर के लिए है? नहीं है। एनआर के लिए खाली एक ही है जो मैंने ब्लैक फॉन्ट में लिखा था, कौन सा? नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट, चाहे वो क्या हो, बुड्ढा या फिर सुपर बुड्ढा। उसके लिए हमेशा लिमिट कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा? जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिस्टर ए नॉन रेसिडेंट, कौन है वो? एंड एजड 89 ईयर्स, कितना एज है उसका? 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख? कोई तकलीफ है? भूलना मत, पहले बोल देता हूँ, कितना? 2.5, 3 या 5? हाँ, अपनी बात कर रहा है, रेसिडेंट, किसकी बात कर रहा है? रेसिडेंट में एक आता है कि दो आता है? आर और उनके लिए लिमिट है 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बेसिक एग्जेम्पशन, एनी प्रॉब्लम? तीन लिमिट है, एक कौन सा है? 2.5 लाख, एक कौन सा है? 3 लाख और एक कौन सा है? यानी यहां तक कोई भी टैक्स भरने की जरूरत, 2.5 लाख सबके लिए इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, एजेपी, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, पर 3 लाख किसके लिए? रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका उम्र मोर देन इक्वल टू एंड लेस देन, लेस देन 80 इन प्रीवियस की असेसमेंट, कोई तकलीफ है? उसके बाद में वहां पे लिमिट कौन सा बढ़ा, बोलो टोटल इनकम अप टू 3 लाख, 3 लाख टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, मोर देन 10 लाख, काई पे प्रॉब्लम? उसके बाद में नेक्स्ट, अगर वहां पे क्या बोला है सर, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका उम्र कितना है मोर देन इक्वल टू 80 ईयर्स एंड इन, क्या लिमिट है? अप टू 5 लाख, नील 5 लाख टू 10 लाख, मोर देन 10 लाख, इज इट क्लियर? कोई भी तकलीफ? चलो एक काम लिखोगे, चलो मेरे को बोलना नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर मेहुल, मिस्टर सुनना, सब लोग यहाँ पे देखना, जिसका एज, जिसका उम्र कितना है 65 ईयर्स, कितना है, कितना है 60, जो एग्जाम वही देना पड़ेगा ना यार, 65 ईयर्स, और टोटल इनकम उसने कमाया है अराउंड 20,80,000, कितना कमाया? 20 लाख। सुनना, ये मैं आपको, आप बाकी करना तो आपको ये, ठीक है? मेरे को बोलो मिस्टर मेहुल का उम्र कितना है? अगर कुछ नहीं या तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मेहुल रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? रेसिडेंट। और हाँ, अभी दिया हुआ उसका उम्र भी दिया, बराबर, मतलब मेहुल नॉर्मल है कि सीनियर है?
तो यहाँ पे लिमिट 2.5 लाख का कि 3 लाख का? पक्का आंसर निकालोगे? तुम भी करो मैं भी करता हूँ, ठीक है? देखते कौन पहले करता है। मेरे पास कैलसी भी नहीं है। आगे आंसर, हाँ ये भी करना भाई, ये कर। हाँ 4,34,000 मारा है। ऐसे भी आंसर आया मेरे को, बोलो इतना फिक्स है? अगर बंदा सुपर सीनियर कौन सा बंदा, और अगर उसका इनकम 10 लाख से ऊपर, किससे ऊपर है, तो उसको ये 1,10,000 तो बनना ही पड़ेगा ना यार, है नहीं? समझा? अगर 10 लाख से ऊपर है तो 1,10,000 तो उसको ऐसे भी आएगा। एक काम करो कैलसी लो या उसमें अपना इनकम कितना है, 20,80,000, 20 लाख लिखना, 20,80,000 लिखा, माइनस 10 लाख लेस करो, इंटू 30% करो, प्लस 1,10,000 ऐड करो, आ गया 4,30,000। अभी देखो अगर बंदा नॉर्मल है तो कितना बनने को आएगा उसको, 1,12,500। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? जैसे करेंगे तो ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा कितना फटाफट अपन आंसर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? अभी 10 लाख से ऊपर है तो उसको ये वाला स्लैब तो पूरा कवर हो जाएगा, ये वाला पूरा कवर हो जाएगा, यानी उसको कितना भरना पड़ेगा, 1,10,000 तो भरना ही पड़ेगा ना यार। अभी जितना 10 लाख से ऊपर है उस पर कितना भरना, उसको 30% कितना भरना उसको, तो अपने केस में कितना इनकम है, 20,80,000, उसके में से 10 लाख लेस कर दो, कितना आता है 30%, 3,24,000 प्लस 1,11,000 कितना हो गया, 4,34,000। कोई तकलीफ यहाँ तक जैसे करेंगे, पर ध्यान रखना अपने को थोड़ा शॉर्टकट यूज करना है, ठीक है? इज इट क्लियर? चलो सुनना सर, मेहुल हो गया, सर डैन देख, एक तो छुपेगा ऐसे, मैं देख नहीं सकता तेरे को, मेरे को बोलो मिस्टर डैनरिक, मिस्टर कितना उम्र है उसका, 82, मतलब नॉर्मल सुपर या सीनियर, सुपर सीनियर सिटीजन, बराबर 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख, 5 लाख। चलो तुम लोग भी करो मैं भी करता है, ठीक है? दस लगाएगा अप टू 5 लाख, पांच लाख से 10 लाख, 20% तो कितना आएगा, 1। उसके बाद में 10 लाख से कितना ज़्यादा है, 40 लाख, यानी डिफरेंस कितना, 30 लाख का 30% कितना होता है, 9 लाख।
पीछे मतलब अभी दो तो बजने दो, बढ़े आगे सुनना। अपन ने क्या पढ़ा सर, ये देखो ये रेट किसका वो याद रखना, दैट इज द रेट फॉर द इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP बराबर। और हाँ, नॉन रेसिडेंट अगर जवान हो, बुढ़ा हो, सुपर बुढ़ा हो, उसके को मतलब नहीं है, उसके लिए हमेशा लिमिट कौन सा रहेगा, 2,50,000। कौन सा रहेगा 2,00,000? 3,00,000 किसके लिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल। किसके लिए, रेसिडेंट जिसका उम्र कितना, एज मोर देन इक्वल टू 60 ईयर्स, मोर देन इक्वल टू एंड लेस देन 80 ईयर्स इन अ प्रीवियस ईयर इन अ, और अगर अपना सुपर सीनियर सिटीजन है तो कितना रहेगा, 5,00,000। कितना रहेगा, कोई तकलीफ आता है, पक्का सुनना, थोड़ा अभी कॉमन सेंस वाली बातें करते हैं, अब चलेगा, अरे चलेगा चलेगा, कॉमन सेंस मतलब वही तो जो सब में कॉमन नहीं है, बराबर सुनना मेरे को बोलो। ऑब्वियसली तुम्हारा बर्थडे आता रहेगा, जुलाई में किसका है, अभी अगस्त में कौन सा है, 18 अगस्त 2023, और कोई है अगस्त में, तो कौन सा है, 1 अगस्त, बस अगस्त ना, और अगस्त में मैं हूँ बराबर सुनना। 18 अगस्त 2023 ये बर्थडे है, अगला बर्थडे कभी आएगा, सब बात है सही, क्या कॉमन से बराबर, अगर 18 अगस्त को मेरा इसका शैली का पहला बर्थडे आता है, मतलब बर्थडे आ रहा है तो अगले 18 को अभी दूसरा बर्थडे आएगा, यस और नो, चलो सुनना मेरे को बोलो। 18 अगस्त 2023 एंड 18 अगस्त 2024, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अभी 18 अगस्त 2023 कितने साल पूरे होंगे, 21 बराबर सुनना। अभी मैं बोलो 18 अगस्त 2024, ये साल खत्म कभी होता है सर, 18 अगस्त को नहीं होगा, ये कभी होगा 17 अगस्त 2024 कभी होगा, और 18 अगस्त 24 को शैली जो बर्थडे सेलिब्रेट करेगी ना वो 22 इयर्स एंड वन डे एंड, सही है नहीं समझे, मैं जस्ट पैदा हुआ, सुना ध्यान से, मैं जस्ट पैदा हुआ, मेरा बर्थडे डेट है 8 अगस्त 1993, कौन सा है, मेरे को बोलो 8 अगस्त के जस्ट दूसरा दिन कौन सा होता है, कौन सा होता है, 93, इतना तो मालूम पड़ता है ना। मेरे को बोलो 9 अगस्त को मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, बच्चा एक दिन का है कि दो दिन का है, यही तो गलती कर रहे ना हम लोग, 8 अगस्त भी तो दिन था ना यार, अरे वो बुरा दिन थोड़ी था, अरे थोड़ी होता है कि बुरे दिन को याद नहीं करते, बराबर मेरे को बोलो 8 अगस्त दैट इज वन डे ना यार, 9 अगस्त, समझा या नहीं समझा, नहीं समझा और देखिए सुनना। 1 अगस्त को बालाजी कौन पैदा हुआ है, बराबर। अभी ये महीना खत्म कभी होता है, 1 सितंबर को कि 31 अगस्त को, पक्का इतना तो मालूम रहेगा ना, अगस्त का महीना 1 अगस्त है, खत्म कभी होगा, और 1 सितंबर को क्या होगा मालूम है, वन डे स्टार्ट हो जाएगा, अरे यस और नो, नहीं समझा, एक महीना खत्म कभी होता है, 31 ना, तो मेरे को अपन ये थोड़ी बोलते हैं कि महीना 1 अगस्त से 1 सितंबर तक खत्म होता है, ऐसा नहीं बोलते ना यार, क्योंकि सितंबर क्या हो गया, एक महीना खत्म हो गया पहला दिन स्टार्ट हो रहा है, अरे यस और नो, समझता है कि नहीं समझता है, कोई तकलीफ है आता है, पक्का सर ये क्यों सिखा रहे हो, बराबर ये तो हमको भी आता है, ठीक है अभी सुनना मैं आपको समझा, ये तकलीफ किन के लिए मालूम है, जो बंदा पैदा कभी हुआ है, कभी हुआ है 1 अप्रैल कभी पैदा हुआ है उसके लिए तकलीफ है, बाकी कोई 2 अप्रैल को पैदा हुआ है कोई मगजमारी नहीं है, बराबर। जो बंदा कभी पैदा हुआ है अप्रैल फुल के दिन कभी पैदा हुआ है, कोई है 1 अप्रैल वाला इधर, कोई नहीं है ना, मैं बोलो 1 अप्रैल को जो पैदा हुआ है ना, सुशील तेरा बर्थडे कौन सा है, 9 अप्रैल, सुखी है इंसान, ठीक है।
अभी सुनना, 1 अप्रैल 2024 ये आपका असेसमेंट ईयर है, बराबर 24-25 ये कौन सा ईयर आपका, वो तकलीफ है, बराबर सुना था। अभी मेरे को एक चीज बोलना, मैं अगर यहाँ पे 65 इयर्स, कितने इयर्स का हूँ, मेरा बर्थ डेट कभी आता है 1 अप्रैल, तो जैसे 1 अप्रैल आएगा मेरा 66 ईयर और वन डे स्टार्ट हो जाएगा, यस और नो, अरे बराबर, क्योंकि यहाँ पे मैं कितने का हो गया था 65, पूरा साल चलेगा चलेगा, 31 मार्च को मेरा 65 कंप्लीट हो जाएगा और मैं कितने का हो जाऊंगा 66 का, और अगले दिन 66 एंड, अरे यस और नो, और मेरे को इसमें कोई तकलीफ भी नहीं है, मेरे को बोलो प्रीवियस में कितने साल का था मैं, इज इट मोर देन इक्वल टू 60, अरे यस ना, तो मैं प्रीवियस में भी कौन हूँ सीनियर सिटीजन, यहाँ पे भी कौन हूँ मैं, कोई तकलीफ हुआ भाई 3 लाख का लिमिट लो निकले थे बराबर, यस और नो, तकलीफ कहाँ पे मालूम है, जब यहाँ पे मैं कितना था 59 कितने का था, और 1 अप्रैल को मैं क्या हो जाऊंगा बुड्ढा, क्या हो जाऊंगा बुड्ढा, बट मेरे को बोलो 59 स्टार्ट यहाँ से हुआ ना, 31 मार्च को कहना है इसे मेरा 60 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा, और 1 अप्रैल को 60 इयर्स एंड, और अपन जो लिमिट चेक करते हैं प्रीवियस ईयर, मतलब वो कौन सा कहते हैं प्रीवियस ईयर चेक करते हैं ना हम लोग, क्या प्रीवियस ईयर के 31 मार्च तक मैं 60 साल का हो गया था नहीं हो गया था, तो मेरे लिमिट कितना रहेगा 3 लाख, अरे समझा नहीं समझा, अगर किसी का जन्मदिन, अगर किसी का 1 अप्रैल कभी आता है, कभी आता है, तो वो केस में अगर रेस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर में वो कितने साल का था 59 किसके था या फिर 70 या फिर क्या था वो, तो उसके लिए लिमिट कौन सा रहेगा 3 लाख और 5 लाख जो भी केस एप्लीकेबल रहेगा, इज इट क्लियर नॉट, क्योंकि अपने बर्थडे पे वो एक दिन का हो जाता है जिसके जस्ट पहले उसका पूरा 60 इयर्स क्या होता है कंप्लीट, क्या होता है वो तकलीफ आता है, मेरे को ये 59 था ना यहाँ से, अभी उसका 60 चल रहा है खत्म कभी हुआ 31 मार्च 24, कहना इसे 31 मार्च को उसके साल कितने हो गए थे 60 कितने हो गए थे, और अपन जो 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख देखते हैं वो असेसमेंट ईयर का चेक करते हैं प्रीवियस ईयर का चेक करते हैं, तो प्रीवियस ईयर मार्च में मेरा कितना 60 साल हो गया था ना यार, तो मेरे लिमिट कितना रहेगा 3 लाख, कितना रहेगा, इज इट क्लियर नॉट, ये सीबीडीटी ने क्या इशू किया था सर्कुलर, क्या इशू किया था, कोई तकलीफ है,